एंड वी आर फॉर्चुनेट कि किसी ने सोचा कि बैंजो पर एक फिल्म बनाई जाए, और उस फिल्म में एकदम मुंबई के ही उस इंसान को लिया जाए, एकदम सटीक, एकदम फिट. इट्स माय ऑनर टू कॉल एकदम नए और डिफरेंट अवतार में मिस्टर रितेश. थैंक यू वेरी मच. गणपति बप्पा मौर्य. नकल करने की कोशिश की, ओनली डिफरेंस है, ओनली डिफरेंस इज कि मैं रंगवाने भूल गया भाई, सफेद हो गया जी. और आपको किसने कहा कि मैं रंगवा के आया? नहीं, ऐसा ऐसा मैंने नहीं कहा भाई, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा. फिल्म की प्रोड्यूसर भी है हमारे साथ कृषिका लोला, इफ यू कैन प्लीज जॉइन अस. थैंक यू. And last but not the least, Nargis Fakhri. Zordar taali apeez. It's Nargis Fakhri, right? Yes, Nargis Fakhri. Nargis Fakhri. Okay. Call me whatever you want, just call me. Ritesh, एक quick question आपसे. कि म्यूजिक ऑब्वियसली हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और रवि जाधव हमेशा जाने जाते रहे हैं कुछ ऐसे सोशल कॉजेस पे, फिर वो नटरंग हो, फिर आपकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म हो, बालक बालक हो, ये क्या उनके लीक से थोड़ी हटकर फिल्म है अगर पूछो, जो पहले हमने दोनों फिल्में देखी? आई थिंक रवि जाधव हमेशा कुछ सोशल इश्यूज पर टिप्पणी करते हैं, पर अपने कमर्शियल वे करते हैं, और उनका एक अपना अंदाज है. हर फिल्म आप उनकी मराठी में ले लो, एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर है. म्यूजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद हिज म्यूजिक, सिनेमैटिक म्यूजिक जो उनका उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और मुझे लगता है ही बिलीव्स इन ह्यूमन स्टोरीज, और एक इंसान को पकड़ते हैं उसके लाइफ के थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी. अलग हो सकता है एट द एंड ऑफ इट It's a triumph of probably a small group with the help of a lady from New York who thinks that they can become big. लेकिन उस triumph में भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो टिप्पणी करते रहते हैं socially. So that's his forte. और ये जो makeover है वो इसी film के लिए है या personally आप ऐसा ही देखना चाहते हैं? कौन सा? ये फिलहाल? ये फिलहाल. ये फिलहाल unemployment का makeover है. सर, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं सर, तो हमें बाहर चले जाना चाहिए. हमें से कोई एम्प्लॉयड नहीं. नहीं, फिलहाल मैं दो टीवी शो कर रहा हूँ, और फिल्में मैं शायद जनवरी में शुरू करूँगा, तो तब तक दाढ़ी बढ़ती रहेगी. बढ़ती का नाम दाढ़ी. द लेडी फ्रॉम न्यूयॉर्क एज द रोल सजेस्ट्स, एंड रियल लाइफ टू. या सो How real is the real life in this film? That was very confusing. It's very real for me. That worked out. Yeah. It was very real for me, so I was very excited when I heard the story, when I heard about the character, because it's great when you're cast properly, because then it becomes more believable, and that's the idea, to be as real as possible. And for me, I felt so at home, and I think more at ease than with other characters I've had to play. So that was a blessing as well. I'm sure you must have answered this question like a million times by now. Yes. Have you ever heard of banjo before working in this film? I have heard a banjo in a song in America that we sing, but it's not the same banjo. Yes. So I only learned about the banjo, which I learned is actually the boom boom tarang, right? I just want to make sure. Okay. And so it's my first
time learning about the instrument and hearing the instrument. Mm. So it was very exciting. Krishika, so जब आपके पास इस फिल्म का प्रोजेक्ट आया या कॉन्सेप्ट आया तो आप पहले दिन से ही कन्विंस थी कि हाँ इस मुद्दे पर इन लोगों के साथ ये फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बैंजो के ऊपर कोई करते हैं। आज तक किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे मैंने सुना नहीं है, जहाँ तक मेरी याद जाती है, इससे पहले शायद कोई फिल्म बनी नहीं। बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत पहले से, लेकिन it was never focused ki iske upar koi picture ban sakti hai. I mean nobody would have thought of to make a film on those people who we actually seen growing up with, like, you know, when we went to any Ganpati festivals and they would be there enhancing the festival with that beautiful music and, you know, fun music. So it was a very beautiful thought behind this whole concept also, to give them respect, to make sure that they get a lot of respect after, you know, after we finish the festival, we just forget them and listen, then to move aside, and, you know, a lot of they are really badly treated, I feel. So our team had a beautiful thought also behind this. This is also one of the thoughts. So why not speak about the street musician? It's not only Maharashtra, it's about all the street musicians in India. There will be Lucknow, Punjab, and Rajasthan, like all over. Even South, yeah. Yeah, all over India. So when I heard, I felt there's a lot of potential in the script. And so then we worked towards it, fine-tuned it, and a lot of things changes, and here we are with the banjo team. So all the best, banjo ka base ekdam taiyar hai, 23rd September, right? That's the release date. And I am eagerly waiting, क्योंकि musicians पे film बहुत कम बनती है, banjo पे film बन रही है, और रितेश को इस अवतार में देखना मेरे लिए बहुत surprising भी है, shocking भी है, मैं देखना चाहता हूँ कि उस film में क्या हो रहा है. It's open for you guys now, so. Okay.
माइक से भी आवाज आएगी ना आपको सर एनर है कम एनर एक काम करो ऐसे पकड़ लो टेबल नीचे रख के चेयर रख दो ना व्हाट्स हैपेंड इट्स इन द व्यू बस इधर समोर चेयर अरे Yes, sir. तो माइक चाहिए नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए ना थैंक यू माइक गया थैंक यू नहीं आई थिंक फेस्टिविटीज देश भर में चल रहे हैं और इसी के दौरान बैंजो के प्रमोशन भी जोरों शोरों से चल रहे हैं और खासकर कि बैंजो की फिल्म की शुरुआत हो या प्रमोशन की शुरुआत ये भी बाप्पा के गाने से हुई है और अच्छा लगता है कि जब भी हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हर मंडल में बाप्पा का गाना बज रहा है सो इट जस्ट फील्स ग्रेट दैट आप उनके फेस्टिविटीज़ में भी अपने गाने के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हो सो इट फील्स ग्रेट आई एम हैप्पी एंड विशिंग एवरी वन ए हैप्पी गणेश उत्सव एंड बी सेफ Well, I think all festivals are very exciting, but this one is probably the most exciting. And now being part of a film and promoting during this festival time, it's fun. It's good, exciting and fun. 23rd is a bit late for the release, and then releasing this on this festival during the festival. We wanted the audience to enjoy our music and to wait for the film because after they have really imbibed the music during the festival, yep. So they will enjoy watching the film after everything is done. Ji sir. Banjo, now you are completely playing the whole banjo, you completely know about the banjo. नहीं मैं आप बताओ आप कौन से भाषा में इसका जवाब दूँ आप बताओ ना आप इंग्लिश में जवाब दूंगा हिंदी में चलेगा ओके तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैंजो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए नया नहीं है मेरे घर में बचपन में एक बैंजो हुआ करता था मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंजो बजाया करते थे बैंजो पार्टीज़ में लेकिन ऑफकोर्स पिछले 20 सालों में मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था लेकिन आज जब ये स्क्रिप्ट आई और फिर ऐसा ऑप्शन मिला और अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बैंजो बजाऊं तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उतनी अच्छी तरह बजा पाता था पर यस मैं इंस्ट्रूमेंट को जानता था तो मेरे लिए वो एलियन नहीं था और देन वी वर्कड हार्ड कई सारे बैंजो प्लेयर्स से मुलाकात हुई उनसे बातें हुई किस तरह बजाया जाता है बैंजो खासतर बैठ कर बजाया जाता है लैप पर रख के और रवि जी चाहते थे कि हम एक रॉकस्टार ग्रुप की तरह परफॉर्म करें तो वी ट्राई टू प्ले बैंजो स्टैंडिंग अप टॉल एंड उसके लिए काफ़ी सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए होपफुली अगर आप प्रोमो देखें गाने देखें तो आपको ये लगे कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने की है नहीं ये बैंजो की बात नहीं है इट रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रीट परफॉर्मर
जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये ऐसा नहीं कि चलो बैंजो तो एक ज़रिया है, हो सकता है कहीं और कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, तो इट्स द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट बट अबाउट पीपल इन्वॉल्व्ड विथ इट एंड बिहाइंड इट। और मुझे लगता है कि बैंजो टैलेंट की बात टैलेंट की आती है, कि कोई भी टैलेंटेड इंसान किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छी तरह बजाए तो वो आपका अटेंशन आकर्षित कर सकता है। अच्छा रितेश, इस फिल्म में अगर हम देखें तो आपका लुक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, जिस तरह से देख रहे हैं आपको, आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला, जो पहला लुक आपका? नहीं, अब ये लुक पर भी बहुत सारी रस्सी खींच हुई है, क्योंकि मैं उस वक्त हाउसफुल शूट कर रहा था, जो इरोस की फिल्म थी, और उसी वक्त दो स्केड्यूल के बीच हम लोग बैंजो शुरू करने वाले थे, लेकिन कृषिका और रवि ये दोनों ने कहा कि उन्हें बाल लंबे चाहिए, तो वी पुश द फिल्म बाय 5 मंथ्स, और हम लोगों ने फिर यू नो आई स्टार्टेड ग्रोइंग माय हेयर, ग्रोइंग माय स्टबल, वी वर्क्ड अ लॉट एंड आई एम ग्लैड कि आपका ये सवाल, या कहीं पे भी जाता हूँ तो शायद इतने सालों तक तो जैसे मैं दिखाऊँ उससे काफ़ी अलग इस फिल्म में लग रहा हूँ। And that's all thanks to my producer, my director, who believed that I could pull off something like this. Navin, just tell us about the stage, the actor. How much Marathi? Better say good things. Better say good things. Okay. Yeah. Marathi, I learned some words, but I've forgotten them already. My only two words now is Jakas and Mustard. Mustad. That's it. That's all I remember. And working with Ritesh is a blessing because he's such a wonderful person, first of all. A great actor, which helps. Who helps me. Who helps, yes. Yeah. A very caring person and easy to work with and a lot of fun. So I'm very lucky. Krishna ji, aapko kaisa laga jab ye film aapke paas aayi hai? Kaun si aisi cheez thi jo jisse sabse zyada excited kiya? पहले तो कंटेंट ही एक्साइट किया मुझे, क्योंकि कंटेंट बहुत रूटेड और इट्स अ वेरी रियल स्टोरी, सो बिकॉज आई लाइक वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सो दिस वाज वन ऑफ देम एंड इट वाज वेरी इट हैड अ ब्यूटीफुल थॉट एज आई सेड अर्लियर, इफ यू कैन गेट अ लिटिल रिस्पेक्ट टू ऑल द स्ट्रीट म्यूजिशियंस बाय after the movie is released and after people have realized, I think we won a lot of hearts. और आप लोगों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने गणपति के मौके पर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइट किया, हर जगह आपके गाने बज रहे हैं, तो इस तरह से आपको बहुत लग रही है, भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लग रही है। Of course, I just spoke to Ritesh. I said whenever our song is playing, we just feel like dancing, or you know, our hands are moving, our feet are moving. नहीं, आई जस्ट फील के कभी कभी हर फिल्म और जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है उस चीज़ का नसीब होता है। वी वर लकी के एक ऐसी डेट मिली जो फेस्टिवल के इर्द गिर्द थी, एक ऐसा गाना था फिल्म में गणपति का जो इस फेस्टिवल में हम लोग रिलीज़ कर पाए, और ख़ास बात यह है कि वो गाना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था, तो ऑल थैंक्स टू विशाल एंड शेखर हुए given a tremendous dance number this festival, so it's been great. Aapne kitna enjoy kiya, वैसे मराठी लुक है आपको महाराष्ट्र में, तो कितना इस चीज़ को जब सेट, I'll tell you what, ऐसा लग रहा लोगों को कि मराठी लुक एक्चुअली इट्स अ मुंबई बॉय, और इट्स नॉट, इसका मिल्यू मराठी नहीं है, इसका मिल्यू मुंबई है, मुंबई बेस्ड, तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी किधर से आता है, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, तो यस, डायरेक्टर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम अ मराठी बॉय, लिविंग दैट असाइड आई थिंक इट्स अ स्टोरी के जो हर कोई रिलेट कर पाए। आखिरी सवाल, आपने भी इको फ्रेंडली गणपति बनाई थी अपने हाथों से, जो मुझे लगता है कि अ बिट टू लेट कि मैंने अपने हाथों से कोशिश की, पहली बार बनाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत वो बन गया, पर मैं चाहूँगा कि हर साल मैं यही करूँ कि खुद मिट्टी लेकर आऊँ, मेक योर ओन गणपति एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल,
क्या है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, जो हम उसे देते हैं वही हम वापस पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू गाइस फॉर हैविंग दिस ग्रीन गणेशा, राइट, द बिग ग्रीन गणेशा, इको फ्रेंडली गणेशा इनिशिएटिव, एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर ग्लैड टू बी हियर सपोर्टिंग दिस कॉज एंड टॉकिंग अबाउट बापा। I think he said it all. It's very good to be part of this beautiful thing what you started. So we are here to say that Ganpati Bappa Moriya. Let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Photo. आएगा सही बोल।